वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पीरियडिक टेबल कंप्लीट कर चुके थे, हर एक कंसेप्ट को हम लोग समझ लिए थे। तो आज हम लोग पेपर देख लेते हैं 2018, 19, 20 में किस तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। हम लोग पीरियडिक टेबल स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का मार्क्स भी बता दिए थे, कितना मार्क्स है ये चैप्टर, 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो इसे हर ईयर में 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा गया, तो हम लोग सॉल्व भी करते हैं, तो आइडिया मिलेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, हम लोग पहले पेपर लेते हैं 2018 में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था इससे। वो 6 मार्क्स का क्या क्या क्वेश्चन था देखते हैं, पहले 2018 से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में दिया गया था, क्या था, हाउ मेनी ग्रुप्स आर इन अ लॉन्ग पीरियडिक टेबल। लॉन्ग पीरियडिक टेबल में कितना ग्रुप है, तो 18 ग्रुप है, पढ़ लिए थे हम लोग, पढ़ा हुआ है। दूसरा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये मैच द कॉलम से पूछा हुआ है क्वेश्चन है, मैच द कॉलम से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मैच द कॉलम से। एन एल्केली मेटल, एक एल्केली मेटल है, और इसमें और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, और भी दो था जो अलग अलग चैप्टर से था, तो हम लोग वहाँ उसको कवर करेंगे। तो ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ पे, पोटेशियम है, प्लूटोनियम है, और भी था दो डिफरेंट। तो क्या होगा एल्केली मेटल, हम लोग जानते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम, और ये फ्रांस में भेजे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सब मेरा क्या है एल्केली मेटल है। तो इसमें एल्केली मेटल जो दिया हुआ था उसमें मैच द कॉलम में वो सिर्फ पोटेशियम दिया हुआ था, तो क्या पोटेशियम एल्केली मेटल है, हाँ तो पोटेशियम क्या है मेरा एल्केली मेटल है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एल्केली मेटल क्या होगा पोटेशियम, ठीक है। ऑप्शन में ये दिया हुआ था इसलिए हम लोग एल्केली मेटल को पोटेशियम मान के चलेंगे इस केस में, यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में मैच द कॉलम में जो दिया हुआ है। दूसरा था मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था फ्लोरीन है, ठीक है, तो वहाँ या पोटेशियम है, यानी मैच द कॉलम से क्वेश्चन है ये वाला। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन कैपिटल एफ इसका सिंबल है। अच्छा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो गया, एक एक मार्क्स का क्या आया था, ये 2 मैच द कॉलम में पूछा जाता है, एक एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब 3 मार्क्स का थोड़ा लॉन्ग पूछा जाता है, सब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है, क्या था क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है एक मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस से क्या हो, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड हो, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाहर हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। आइसो किसका होगा, वो वाला जो एटम होगा वो आइसोलेटेड गैसेस एटम होगा, तो आइसोलेटेड गैसेस एटम से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये लिखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का, ये क्वेश्चन था। तीसरा दिया था अरेंज लिथियम रूबीडियम पोटेशियम सोडियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे तो ऊपर नीचे करके दिया हुआ है, तो हमको ग्रुप का नाम भी अच्छे से याद होना चाहिए, ग्रुप का सीरियल वाइज एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी लिखे लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम, तो इस सीरियल वे में नाम याद होना चाहिए, यहाँ पे आगे पीछे करके दिया हुआ है ना, तो पहले हम लोग सीरियल वे में अरेंज करेंगे। तो पहले होता है लिथियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है पोटेशियम, उसके बाद आता है रूबीडियम, इस तरह से आता है। अच्छा अब हम लोग जानते हैं ये क्या है, ग्रुप में दिया हुआ है ना। अच्छा तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में दिया हुआ है, ग्रुप में हम लोग जानते हैं, ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है। अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग ग्रुप में क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, ठीक है। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, रूबीडियम का होगा, ठीक है, इसमें क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में जाने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या आएगा, इन 5 में से हमको किस में बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम किसका होगा, रूबीडियम का होगा, सबसे कम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रूबीडियम, उसके बाद रूबीडियम के बाद किसका होगा, पोटेशियम का, उसके बाद आएगा सोडियम का, उसके बाद आएगा लिथियम का, ठीक है। तो ये इस वे में अरेंज कर देंगे, तो ये 3 मार्क्स कवर हो गया। और क्वेश्चन पूछा गया था इसमें 3 मार्क्स, वो ऑप्शन में दिया हुआ था, क्या था ऑप्शन में क्वेश्चन, मेंशन सिमिलैरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी का, हाइड्रोजन का कुछ सिमिलरिटी बताइए, एक प्रॉपर्टी बताना है ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ, एक सिमिलर प्रॉपर्टी बताना है ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ, 2 सिमिलर प्रॉपर्टी बताना है। तो पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वाला पढ़े भी थे हम लोग, लास्ट लेक्चर में ही कवर किए थे इसको, सिमिलरिटी विथ ग्रुप 1 एलिमेंट। हाइड्रोजन क्या होता है, मोनोवैलेंट होता है, यानी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक एन एल्केली मेटल। एक एल्केली मेटल के तहत क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कहना चाहेगा, ये
लूज कहना चाहेगा, जैसे कि लिथियम लूज कहता है तो एल आई प्लस बनाता है, उसी तरह से हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को लूज कहता है तो क्या बनाता है, एच प्लस बना देता है, एच प्लस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, एल्केली मेटल कहता है हाइड्रोजन भी, ठीक है ना। तो पहला ये सिमिलैरिटी, एक ही सिमिलैरिटी पूछा था इसलिए हम लोग यहाँ पर एक दिए। दूसरा सिमिलैरिटी विथ ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ क्या क्या सिमिलैरिटी, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही का वैलेंसी क्या होता है, वन होता है, पहला ये सिमिलैरिटी है। दूसरा क्या, हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स आर डाई एटोमिक गैसेस नॉन मेटल, है ना, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, हैलोजन्स भी नॉन मेटल है, इसका जो गैसेस फॉर्म होता है वो क्या होता है, डाई एटोमिक होता है। जैसे हाइड्रोजन क्या कैसे एग्जिस्ट करता है, एच टू के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसी तरह से हैलोजन को ले लेंगे फ्लोरीन एफ टू क्लोरीन सी एल टू, इस तरह से ये सब भी डाई एटोमिक गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दूसरा सिमिलर प्रॉपर्टी हैलोजन के साथ ये हो गया। तो ये मेरा 2018 का पेपर का 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कवर हो गया। अब हम लोग 2019 का देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब हम लोग 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि इससे हर ये हमें 6 ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा गया उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन था एमसीक्यू का, टू विच ग्रुप ऑफ द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हैलोजन एलिमेंट्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हम लोग ग्रुप 17 जानते हैं, तो ग्रुप 17 हो जाएगा, ठीक, ग्रुप 17 से हैलोजन बिलोंग करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप वन एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैविंग द लीस्ट रेडिएशन प्रॉपर्टी, ग्रुप वन में कौन ऐसा एलिमेंट है जिसका रेडिएशन प्रॉपर्टी सबसे कम है। ये मैजो कॉलम से क्वेश्चन दिया हुआ है, मैजो कॉलम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन लिए हैं इसका, तो क्या होगा कंसेप्ट से हम लोग समझते हैं। ग्रुप वन एलिमेंट, ग्रुप वन एलिमेंट का क्या क्या एलिमेंट है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम और सीजियम। ये सीजियम दिया हुआ था, फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, तो फ्रांसियम को बहुत कम केस में लेते हैं, हमेशा नहीं लेते हैं, रेडियो एक्टिव है इसलिए उसको हम निगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। ये 5 एलिमेंट दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अलोंग ग्रुप, जैसे हम लोग ग्रुप में जाएंगे तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ग्रुप में क्या होता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ग्रुप में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ग्रुप में जाने से क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ग्रुप में जाने पे क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम, तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, इन पांचों एलिमेंट में सीजियम को सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगा मैक्सिमम। और सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा लिथियम का, मिनिमम होगा सबसे कम, है ना। तो ग्रुप में जाने पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, इंक्रीज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी ग्रुप में जाने पे इंक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ने पे अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आराम से लूज कर जाएगा, थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे उसको तो, ठीक है, यानी कि उस बैलेंस को छोड़ के निकल जाएगा। तो सबसे कम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसका होता है ग्रुप वन में, लिथियम का होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, लिथियम, मैच द कॉलम में लिथियम दिया हुआ था, लिथियम होगा Li। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ग्रुप टू एलिमेंट्स ऑफ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल हैविंग द लीस्ट एटॉमिक रेडियस, ग्रुप टू एलिमेंट, ग्रुप टू, ये भी मैजो कलम से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी ऑप्शन था वहाँ पे। तो ग्रुप टू एलिमेंट पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं क्या क्या है ग्रुप टू एलिमेंट, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एस्ट्रोनशियम है, बैरियम है और रेडियम भी है, ठीक है। सबसे लीस्ट एटॉमिक रेडियस, तो हम लोग जानते हैं अलॉन्ग ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो होता है ग्रुप में जाने पे वो इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज करता है ग्रुप में जाने पे। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, बैरियम का होगा। और सबसे कम यहाँ पे क्या पूछा गया, लीस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा, बेरिलियम का होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बेरिलियम, बेरिलियम यानी बी, ठीक हो गया। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मैथ कॉलम में, 1 एमसीक्यू में। अच्छा, अब लॉन्ग में सब्जेक्टिव टाइम में क्या पूछा गया था, राइट डाउन डोबिनियर लॉ ऑफ ट्रेड, डोबिनियर का ट्रेड लिखना है हम लोग को, क्या होता है डोबिनियर ट्रेड, हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, वो 3 एलिमेंट का क्या कहते हैं, ग्रुप बनाए थे और वो तीनों एलिमेंट का तीन एलिमेंट लिए थे, है ना, 3 एलिमेंट लिए थे वो, और तीन वैसा एलिमेंट लिए थे जिसका प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, एक जैसा है। अगर उसमें से हमको लिथियम का एटॉमिक मास, लिथियम का एटॉमिक मास पता है और पोटेशियम का एटॉमिक मास पता है, ठीक है, तो इन दोनों का एटॉमिक मास का जब हम एवरेज निकालेंगे तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा पता चल जाएगा। जैसे 7 + 39 एवरेज कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 39 और 7 कितना होगा, 46/2, तो कितना आएगा, 23। तो ये 23 क्या आ रहा है, अवे एटॉमिक मास आ रहा है ना, तो वो यही बोला था, ही अरेंज द एलिमेंट इनटू ग्रुप ऑफ 3 नोन एज ट्रेड, यानी 3 3 एलिमेंट करके वो ग्रुप में अरेंज किया था,
ठीक है, जिसको हम लोग टेड बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम उनके अकॉर्डिंग क्या है एटॉमिक मास जो है मिडिल एलिमेंट का, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो एवरेज होगा एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट, दो एलिमेंट अदर जो दूसरा दो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास का एवरेज। एवरेज कितना, दो एलिमेंट है तो दो से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा, तीन रहेगा तो थ्री से डिवाइड करेंगे, है ना। तो दो में क्या है लिथियम और पोटेशियम दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे तो एवरेज पता चल जाएगा, अब वो उस एलिमेंट का एवरेज मास होगा। तो हाँ 23 होता है ये एटॉमिक मास किसका, सोडियम का, ठीक है। तो ये था डोबनियल लॉ ऑफ टेड, तो ये तीन मास का क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा उसके बाद ये दो मास का क्वेश्चन पूछा गया था, एक मार्क्स का ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऊपर था। क्या था क्वेश्चन, अरेंज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। हमको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फ्लोरीन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना। तो पहले बात तो यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए कि ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ग्रुप 17 से सब बिलोंग करता है, ग्रुप 17 से सब एलिमेंट बिलोंग करता है। कैसे लिखेंगे, फ्लोरीन होगा उसके बाद आएगा क्लोरीन, एक फॉर्म में लिखेंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरह से होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी कितना है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ग्रुप में जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ग्रुप में जाने पे क्या होता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ग्रुप में जाने पे क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर इन चारों में से सबसे कम यानी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा जो होगा वो फ्लोरीन का होगा, सबसे कम किसका होगा, आयोडीन का होगा, ठीक है। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हम लोग को, ये चार ही एलिमेंट दिया हुआ है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, तो एक तरह से अरेंज करेंगे एक फॉर्म में इस तरह से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो सबसे कम किसका होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम होता है आयोडीन का, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन से ज़्यादा होता है ब्रोमीन का, उससे ज़्यादा होता है क्लोरीन का, सबसे ज़्यादा किसका होता है फ्लोरीन का। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग पावर का, ऑक्सीडाइजिंग पावर अरेंजमेंट इस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे लीस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला गया तो सबसे कम होता है आयोडीन का, सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो ऑप्शन में दिया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन ऑप्शन में पूछा गया था और करके दिया हुआ है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ मोज़ली एक्सपेरिमेंट, मोज़ली जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका उनका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या था। तो मोज़ली जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे तो उनका कंक्लूजन क्या बोले थे, वो जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उनका जो कंक्लूजन आया था वो ये बोले थे अपने कंक्लूजन में, अपने एक्सपेरिमेंट करके ये बोले थे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है एलिमेंट का वो पीरियोडिक फंक्शन होता है अपने एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास से पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता। इसका रीज़न भी हम समझाएं क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो हर एलिमेंट से जो एक्सरे निकल रहा था उसका जो फ्रीक्वेंसी था वो एटॉमिक मास से प्रोपोर्शनल नहीं होकर एटॉमिक नंबर से प्रोपोर्शनल हो रहा था। तो मोज़ली वहीं पे ये बात बोले कि एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी अगर समझना है तो एटॉमिक मास से अच्छा एटॉमिक नंबर ज़्यादा मोर फंडामेंटल है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो वो आइसोटोप ये सब का बात भी वहाँ से क्लियर किए थे बहुत सारा बात, ठीक है। तो मोज़ली एक्सपेरिमेंट जो बना, तो मोज़ली एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये आया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है एलिमेंट का वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर से, ठीक है। अच्छा तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, उस कंक्लूजन का इंपॉर्टेंस क्या दिया गया पीरियोडिक टेबल में, ये दो नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक मार्क्स का। तो उसका जो कंक्लूजन लिया गया था, बाय द कंक्लूजन ऑफ मोज़ली, मोज़ली के कंक्लूजन से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना है ना, प्रोड्यूस हुआ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये था तीन नंबर का क्वेश्चन, तो 2019 भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब 2020 जो इस साल क्वेश्चन था 2020 को समझते हैं हम लोग, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स से। हाँ तो 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स में, पहला क्वेश्चन दिया गया था इस चैप्टर से, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, कौन ऐसा प्रॉपर्टी है, कौन ऐसा इनमें से कौन ऐसा प्रॉपर्टी जो पीरियोडिक नहीं है। तो हम लोग पढ़े थे क्या, रेडियो एक्टिविटी क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं होता है, एक इंटरवल के बाद वो रिपीट नहीं करता क्योंकि ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है उसके वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के रिकरेंस के वजह से नहीं होता, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, एक ट्रांसजुआनिक एलिमेंट कौन सा, ये मैदो कलम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैदो कलम से पूछा गया था। और ट्रांसजुआनिक एलिमेंट, ट्रांसजुआनिक एलिमेंट में दिया हुआ था ऑप्शन एक ऐसा, अच्छा ट्रांसजुआनिक एलिमेंट किसको बोलते हैं, एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर जो जो एलिमेंट 92 एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा का है, यानी 93 94 ये सब जितना भी है ये सब एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसजुआनिक एलिमेंट बोलेंगे। एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा है वो सब एलिमेंट क्या कहलाता है, ट्रांसजुआनिक एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। अच्छा तो ऑप्शन दिया हुआ था हम लोग को नेप्ट्यूनियम, ठीक है,
नेप्टूनियम, क्रिप्टन, कॉपर, जिंक, यानी ये चार मेटलर्जी, सबसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये पूछा गया था मैच द कॉलम से। तो ट्रांसवेनिक एलिमेंट कौन है? तो यहाँ पे होगा नेप्टूनियम। नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, ये सब क्या ट्रांसवेनिक एलिमेंट है? नेप्टूनियम। ये सब एमसीक्यू ही से पूछा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेप्टूनियम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, नोबल एलिमेंट, नोबल एलिमेंट में दिया हुआ था मैच द कॉलम में क्रिप्टन, तो आंसर क्या होगा? क्रिप्टन ही होगा, क्रिप्टन नोबल गैस होता है, क्रिप्टन। ठीक है, अच्छा, तो ये 3 मास का क्वेश्चन पूछ दिया गया। अब इस साल 2020 में क्या पूछा गया था? डिससिमिलैरिटी पूछ दिया गया था। 2018 में सिमिलैरिटी पूछा गया था हाइड्रोजन का, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता रहता है, फिर से रिपीट हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। अगर आप लोग तो लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल का पूरा 6 लेक्चर का प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा कंसेप्ट, ये सब चीज़ कवर किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं क्या दिया हुआ है। मेंशन डिससिमिलैरिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का डिससिमिलैरिटी प्रॉपर्टी बताना है, डिससिमिलर प्रॉपर्टी बताना है, एक प्रॉपर्टी बताना है ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ क्या डिससिमिलर प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन का, एक प्रॉपर्टी बताना है, दो प्रॉपर्टी बताना है ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ क्या डिससिमिलर प्रॉपर्टी है ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ, किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है, तो पहला डिससिमिलैरिटी विथ एल्केली मेटल, एल्केली मेटल यानी ग्रुप 1 एलिमेंट को हम एल्केली मेटल बोलते हैं, तो डिससिमिलैरिटी एल्केली मेटल के साथ उसका क्या है, किसका? हाइड्रोजन का। तो पहला है कि हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? नन मेटल होता है, लेकिन ग्रुप 1 एलिमेंट क्या है? पूरा मेटल है। तो पहला ये एक ही प्रॉपर्टी पता था, इसलिए हम लोग एक ही प्रॉपर्टी दिए। ठीक है, और वहाँ पे लेक्चर में आपको 2-3 प्रॉपर्टी इसका मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा डिससिमिलैरिटी विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से बात करते हैं, हाइड्रोजन का दो डिससिमिलैरिटी प्रॉपर्टी बता, दो डिसिमिलर प्रॉपर्टी बताना है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का साथ। ठीक है, किसका? हाइड्रोजन का। तो क्या है हाइड्रोजन, जानते हैं हम लोग, एक कैसा एजेंट होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन कैसा एजेंट है? हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, वहीं पर हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है? लूज करना चाहता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये एक डिसिमिलैरिटी हो गया हाइड्रोजन के साथ। दूसरा सिमिलैरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन ऑल्सो हाइड्रोजन शो डिसिमिलैरिटी विथ हाइड्रोजन, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन में भी देखें तो हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ डिसिमिलैरिटी शो करता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो कन्फिगेशन हो गया 1, और हाइड्रोजन का हम एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं, तो इसका कन्फिगेशन क्या होगा? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 2.7, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन डिफरेंट है, तो ये भी एक डिसिमिलैरिटी हो गया। ठीक है, तो ये 3 मास का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके ऑप्शन में क्या क्वेश्चन था उसको भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, और क्या क्या क्वेश्चन दिया गया था? क्या अरेंज एज डायरेक्टेड, यानी आपको ये अरेंज करना डायरेक्ट, सिंपल एक एक नंबर करके 3 क्वेश्चन दे दिया था 3 मार्क्स का। बोला गया सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम बिलोंगिंग टू ग्रुप वन से ये सब बिलोंग करता है लॉन्ग पीरियड टेबल के अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, यानी कि हमको इसको अरेंज करना है एटॉमिक रेडियस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये सब कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? तो देखिए 2018 से 2020 जो आप तो पेपर सॉल्व किए, तो बहुत सा क्लियर हो रहा होगा, कितना क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, एक ही तरह का क्वेश्चन बन रहा है, ज़्यादातर कौन सा ग्रुप 1 रिपीट हो रहा है, तो सब ग्रुप को याद कर लेना अच्छे से। ठीक है ना, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? पहले तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं, यानी ये सब एलिमेंट को, ग्रुप 1 एलिमेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस में हम लोग को अरेंज करना है इसको। तो पहले हम लोग तो अच्छे से अरेंज करते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट को कैसे लिखना है। पहले होता है लिथियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है पोटेशियम, फिर होता है रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। तो चार दिया हुआ, तो चारों को इस तरह से अरेंज करेंगे पहले। अच्छा, जब हम लोग ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस ग्रुप में जाने पे क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। अच्छा, तो हमको यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे बड़ा पहले लिखना है, सबसे छोटा को लास्ट में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा होगा मेरा क्या? रुबिडियम। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे, आर भी सबसे बड़ा है, रुबिडियम से छोटा होगा पोटेशियम, पोटेशियम से छोटा होगा सोडियम, सोडियम से छोटा होगा लिथियम। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ग्रुप 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सल्फर, ऑक्सीजन, टेल्यूरियम, सिलीनियम, है ना? ग्रुप 16 एलिमेंट। तो ग्रुप 16 एलिमेंट को याद रखने का ट्रिक याद रख लीजिए आप लोग, इसको भी याद रखना होगा। ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इसको याद कैसे रखते हैं हम लोग? ओल्ड स्टाइल से टिपोगे पिटोगे, इस तरह से याद रखना, ओल्ड स्टाइल से टिपोगे पिटोगे। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। तो हम तो इस तरह से अरेंज कर दिए। अच्छा, ये ग्रुप में एक फॉर्म में एक अच्छे जिस तरह से लिखा जाता है ग्रुप में, उस तरह से लिख दिए यहाँ पे। सिंपल ट्रिक से याद रखना है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम। ठीक है, तो हमको तो सिर्फ टेल्यूरियम ही तक लिखना है, पोलोनियम नहीं लिखना है।
ठीक है, ये सिर्फ चार एलिमेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ग्रुप 16 है, तो ये ग्रुप 16 में जाते हैं, जैसे हम लोग ग्रुप में जाते हैं तो यहाँ पे क्या, अच्छा हमको यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ग्रुप 16 एलिमेंट को अरेंज करना है। ठीक है, तो ग्रुप में जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, एक इलेक्ट्रॉन का कितना, यानी एक न्यूक्लियस का कितना टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का है ना, एक एटम का कितना टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग जाएंगे ग्रुप में तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स जो होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उस एटम का क्या होगा, कम होगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, उसके वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ने पर अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उस एटम का क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ग्रुप में जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप में जाने पे डिक्रीज करता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होगा, टेल्यूरियम का होगा। ठीक है, टेल्यूरियम से ज़्यादा होगा सेलेनियम का, सेलेनियम से ज़्यादा होगा सल्फर का, उससे ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का। तो ये हो गया मेरा अरेंजमेंट, ये हो गया आंसर मेरा, एक मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद पूछा गया ग्रुप टू एलिमेंट से क्या क्वेश्चन पूछा गया समझते हैं। कैल्शियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम बिलोंगिंग टू ग्रुप टू, ये सब एलिमेंट ग्रुप टू से बिलोंग कर रहा है लॉन्ग पीरियड टेबल में अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, यानी ये सब एलिमेंट को रिड्यूसिंग पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हम लोग इसका सिंपल फॉर्म किस तरह से होता है ग्रुप टू एलिमेंट उसको लिखते हैं। तो पहले ग्रुप टू एलिमेंट में, ग्रुप टू को पहले लिखते हैं, बेरिलियम होता है पहले, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। ठीक है, यहाँ पे चार ही दिया हुआ है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सिर्फ चार है तो हम लोग सिर्फ चार को लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। तो किस तरह से जानते हैं हम लोग ग्रुप में जाने पे क्या होता है, ग्रुप में जाने पे रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर यानी एलिमेंट को लूज करने का टेंडेंसी क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी। तो ग्रुप में जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करता है। रिड्यूसिंग पावर ग्रुप में जाने पे क्या होता है, ग्रुप में जाने पे इंक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल ऐड होता है तो डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाता है, भाई आता है तो अट्रैक्शन फोर्स कम रहता है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो आराम से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, थोड़ा सा एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसका होगा, स्ट्रोंशियम का होगा। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, मतलब लार्जर टू स्मॉलर लिखना है, तो सबसे ज़्यादा होगा स्ट्रोंशियम, सबसे ज़्यादा किसका होगा रिड्यूसिंग पावर, स्ट्रोंशियम का होगा। ठीक है, स्ट्रोंशियम से कम होगा कैल्शियम का, कैल्शियम से कम होगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से कम होगा बेरिलियम का। तो ये तीन नंबर का तीन सिर्फ अरेंज करने को क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, तो आपके सिलेबस में सिर्फ चार है, परिणाम चारों कवर कर चुके हैं। आयन एटॉमिक रेडियस पे दे सकता है, AR एटॉमिक रेडियस, दूसरा दे देगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तीसरा दे देगा आयोनाइजेशन एनर्जी, और चौथा दे देगा या तो रिड्यूसिंग पावर देगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर। बस ये प्रॉपर्टी को याद रखना, ये पाँचों कवर किया हुआ है, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। प्योरी टेबल कंप्लीट हो गया, इसलिए हम पेपर सॉल्व कराएं, आप लोग कंसेप्ट मिल गया होगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फील हुआ होगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रखते हैं यहीं तक। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, नया नया लेक्चर जैसे न्यू चैप्टर का डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दिए क्योंकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले, अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा है कंसेप्ट अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।